अस्सलाम वालेकुम नाजिन भाई, आपका मेजबान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर है जलपली अलीनगर वार्ड नंबर 25 से, जहां पर म्यूनसिपल इलेक्शन होने वाले हैं। वहीं पर आवाम घरों से बाहर निकलती है और अपनी नाराजगी दिखाती है। आवाम ये कहती है कि इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, कोई हमारा पूछा निहाल नहीं होता है। एक जो बड़ी उम्र के ज़ईफ औरत है, वो कहते हैं कि मैं पिछले 40 साल से यहाँ पर हूँ, आज तक कुछ डेवलपमेंट का काम यहाँ पर नहीं हुआ। बहरहाल बड़ी अफसोसनाक खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हिंदुस्तान की पुरानी रीत है, पुराना दस्तूर है। इलेक्शन के टाइम पे लीडर बाहर आते हैं, आपके सामने झुकते हैं, सलाम करते हैं, नमाज़े करते हैं, वोट मांगते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। बहरहाल आवाम कितनी नाराज है जलपल्ली की, हम आपको एक खास खबर दिखाते हैं। चालीस साल से हूँ बा, यहाँ डेली है ना, मोरी है ना, लाइट के खम्बे है, गिर को पड़ रही, ये टांग टूटको गई है मेरी, क्या करना बोलो। आते ऑटो के खाते ऑटो ले लेते, कराते अम्मा कराते बोलते, कराते ना करते हमारी गांड पे मार देते, देखो समझे। हाँ, कितने साल से रह रहे आप इधर? मैं 40 साल से हूँ, देखो 40 साल से जंगल था, सांपा बिच्छू सब फिरते थे। अभी भी वही हाल है। कौन सी पार्टी को वोट डालते हैं आप? कौन सी पार्टी को वोट डालते हैं इलेक्शन में? परसों कार को डाले थे, कार को, कार वाले भी बोले आंखों कराते, बोले कराए नहीं, वो उन्होंने भी आए थे, समिता रेड्डी भी नहीं कराए, वोट लेने आए थे। अब किसको डालना बोलो, इनको डालना उनको डालना वोट बोलो, आप ही बोलो दीदी, अब जो कराए उनको डालेंगे। बहुत लत है, पानी नहीं है और क्या बोलते, सो ड्रेनेज है ना कुछ है, मोरियाँ की और बच्चों को बुखार आता करता है सब, और क्या है बहुत सारे तकलीफ़ हैं, ना कचरे को कोई आके लेके जाते हैं ना कुछ, ना कुंडी है ना क्या है ना कुछ है, इतनी तकलीफ है, कुछ पूछना नहीं है। कितने साल से रहते आप इधर? 20 साल होगा, 20 साल ही बोल रही मैं भी। हम लोग 20 साल से है अलीनगर में, यहाँ पर हर चीज़ की मुसीबत है, पानी नहीं है, या ड्रेनेज लाइन नहीं है, लाइटा नहीं है, और सफाई करने कोई सफाई वाले नहीं आते, कुछ भी नहीं। हम 20 साल से टैक्स भर रहे हैं बस्ती में, कोई चीज़ की सहूलत नहीं है, सालों साल से टैक्स भर रहे, कोई आके फटक के नहीं देखते है बस्ती में। लीडर है, लीडर कभी आके सही तरीके से देखते नहीं, कुछ करते नहीं, और उसमें बच्चों को ऐसे बुखार आते, मच्छर ज़्यादा है, डेंगू बुखार आते, बच्चे बहुत मिजाज ख़राब हो गए, हम दवा खाने फिरना पड़ता है यहाँ पे। कौन है लीडर आपके? आयशा है। आपका नाम? आयशा। अलीनगर से ये एरिया में ना तो नल की सहूलत है पीने के पानी की, हर चीज़ जाकर बच्चों को ले लेके खरीद के लाना पड़ता, पीने का पानी भी होने का है तो, और यहाँ पर मच्छर तो इतने हो गए कि पूछो मत, बच्चों को काट रहे हैं हर 2 दिन में, हर एक घर में एक बच्चे को बीमारी लग रही डेंगू की, इसकी कचरा दुनिया का पड़े हुआ रहता, कोई आके उठाने वाला नहीं है। 30 साल से ये बस्ती में हूँ, ये बस्ती का वही हाल है, ड्रेनेज लाइन जो डालते बोल के बोर रहे खाली, 25 साल से वही डालने में छे, गाड़ों में से पानी निकल के नालियाँ में से बाहर बह रहा ड्रेनेज का पानी, इतने बुरे हालात है, ना तो रोड का है, ना तो पानी का है, ना तो कुछ है। MIM के लीडर आते आगे खाली देखते, हाँ करते बोल के चले आते, TRS के आते सब खाली आते, देख के जाने वाले हैं, यहाँ करने वाला कोई भी नहीं है। अलीनगर की हालत फिल वक्त बहुत बुरे है इधर, मोहम्मद गौस नाम है मेरा, मोहम्मद नगर मीनार कॉलोनी पूरे एरिया में अच्छी सहूलत हो गए, रोड आ गए, ड्रेनेज आ गए, ये एरिया की पब्लिक से आते हम करते बोलते वोटा लेते चले आते अपने अपने एरिया में कराते, ये एरिया का वो हाल है। ये अलीनगर मोहल्ला है साहब हमारा पुराना, यहाँ पे 40 साल से हूँ मैं, 14 साल से, मेरे 14 साल हुआ मेरी कमर की हड्डी टूट गई, यहाँ पे रास्ता अच्छा नहीं, 14 साल से बिस्तर पे हूँ,
गिरे कहाँ पर थे आप? रास्ते में जो है पेड़ पे से गिर गया और मोरिया ऐसे चार चार दिन को बीमारी, वो कौन से बीमारी, यहाँ नवे नवे बीमारियां आ रही, अब बोल नहीं सकते। अभी ऑटो आना का तो अंदर ऑटो भी आना मुश्किल है, रास्ता अच्छा नहीं, लाइट के खंभे नहीं रोड के ऊपर, घरों में लाइटा है, मीटर के पैसे बराबर देते हैं, पीने का पानी का बंदोबस्त नहीं, वो जो है सो क्या बोलते वो तो कनेक्शन का पानी जो है सो आता वो ले लेते हैं, बाहर से मीठा पानी खरीद के पीना पड़ता हमारे को। अब इतना परेशानी में अगर हमारे मोहल्ले का हमारे बस्ती का कोई पुराने हाल है या कोई लीडर हमारे व्यवस्था का मदद करने वाला है नहीं। मुकामी लीडरों को बोले आप इस बारे में? सबको बोले साहब, यमैया वालों को भी बोले, टीआरएस वालों को भी बोले, इकबाल बिन खलीफा को भी बोले, सबको बोले, सब जाने बोलते हो हम कराते भाई, आप हम वोट दो, हम आने के बाद कराते बोलते, उसका तो फर्क के देखते नहीं। इधर सविता मैडम भी आए थे, कार्तिक रेड्डी साहब भी आए थे, हमारे महमूद अली साहब आए थे, और जो है सोन तो तिगर कृष्ण रेड्डी साहब आए थे, और हमारे MP MLA और साबिर अली साहब आए थे, बल्दिया कमिश्नर, सब देने थे कि आओ कराते बोले, ऐसा कुछ नहीं है। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी, किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट्स, सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी ना होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए, आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436, 9063383760।